कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब ठीक होंगे आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी बर्न अमेरिकन नोवलिस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सारा सुलारी। ठीक है प्रीवियस वीडियो में पाकिस्तान लिटरेचर के बहुत सारे राइटर्स को इन डिटेल विद कोटेशन एंड देयर मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ देयर नावल्स हम डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में जो हमारा मेन कंसर्न रहेगा वो सारा सुलारी गुडियर पे रहेगा और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एवर ग्रीन नावल जिसे हम कह सकते हैं मीटलेस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट परस्पेक्टिव से रह, पे रहेगा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी हम जल्दी से इसे कवर करने की कोशिश करते हैं ठीक है सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूँ कि सारा सुलैरी कौन थी ये पाकिस्तानी बर्न अमेरिकन ऑथर थी यानी वो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई हैं और उनकी जो डेथ है वो अमेरिका के अंदर हुई हैं और ये एक डायस्पोरिक राइटर भी थी किस तरह वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनका टाइम स्पेंड 1953 से 2022 तो तक जाता है कराची में पैदा हुई है और यूएस के अंदर इनकी डेथ हो गई है इनको पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की नेशनैलिटी मिली थी यहाँ मैंने इसकी मदर का और इसके फादर का नाम लिखा है इन दोनों का ये आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि इसकी जो मदर थी वो एक वेल्श वमन थी और इंग्लिश प्रोफेसर थी और इसके जो फादर थे उनका नाम था जियाउद्दीन अहमद सुलेरी जो पाकिस्तानी पोलिटिकल जर्नलिस्ट भी थे राइटर भी थे उन्होंने नावल्स भी लिखी थी और इसके वाला अलावा वो पाकिस्तानी मूवमेंट के एक्टिविस्ट भी रह चुके हैं सारा सुलेरी अपने वक्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करती है अपने ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को लेकिन वो इस बात को डिनाई

थ्री के अंदर ओस्टन गुडियर से शादी की थी जो प्रोमिनेंट फैमिली से बिलोंग करता है यूएसए की ठीक है और अगर हम देखते हैं सारा सुलैरी को तो सारा सुलहरी को हम एज अ फेमिनिस्ट भी ए, फेमिनिस्ट भी डिस्कस करेंगे यानी एज अ फेमिनिस्ट राइटर भी ठीक है किस तरीके से फेमिनिस्ट राइटर हम उसको इसके वर्क के रेफरेंस के से देखेंगे और उसका जो वर्क होगा वो मीटलेस डेज के रेफरेंस से हम देखेंगे सब कुछ ठीक है मैं बेसिकली मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी सारा सुैरी गुडिया के बायोग्राफी पे जिसके अंदर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे दैट हाउ शी इज़ आर डायस्पोरिक और अ फेमेनिस्ट विद द परस्पेक्टिव ऑफ हर बेसिक नॉवल्स ठीक है लेकिन आज की इस वीडियो में जस्ट मेरा जो मेन फोकस है ना वो सिर्फ इस बात पे कंसर्न करना है कि हम मीटलेस डेज के अंदर इसकी इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट्स को था कि उन उन्हें ये इस यानी मीटलेस डेज के परस्पेक्टिव चाहिए तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम इसे मेटलेस डेज के परस्पेक्टिव से डिस्कस कर लेते हैं तो अगर हम देखें साइलरी को फेमिनिज्म फेमिनिस्ट परसपेक्टिव से हम देखेंगे क्योंकि ये एक फीमेल है और इसके अलावा इसने बिफोर एंड आफ्टर द पार्टीशन बेसिकली ये आफ्टर द पार्टीशन ही इसकी हम कह सकते हैं बर्थ हुई थी लेकिन बिफोर द पार्टीशन और द डे ऑफ द पार्टीशन के की सारी वो फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू द करेक्टर ऑफ हर दादी ये हमें शो करवाती है अपने नॉवल्स के अंदर ठीक है इसके अलावा ये एक डायस्पोरक राइटर भी है डायस्पोरा का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज डायस्पोरा जब भी डायस्पोरा जब एक राइटर किसी दूसरी कंट्री में जाकर लिखता है अपने अपने ही कंट्री के बारे में ठीक है अपने रिचुअल्स अपनी कल्चर या अपनी मेमोरी के बारे में तो उसे हम कहते हैं डायस्पोरिक राइटर इसे एज अ मेमोर के तौर तो सारा सोलैडी एज अ मेमोर के सूरत में भी डिस्कस किया जाता है यानी इसके वर्कस के अंदर हमें किस तरीके से एज अ मेमोर का परस्पेक्टिव देखने को मिलता है तो मैं आपको बता दूँ वट इज़ अ मेमोर ये स्पेलिंग है ठीक है इसके

और इसके अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलते हैं सबसे पहले अगर हम देखें मीटरलेस डेज को तो ये एक मेमोर है मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ मेमोर मेमोर की मैंने डेफिनेशन भी ऐड की है की, हम उसे पढ़ लेते हैं आ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स रिटर्न बाय अ पर्सन हैविंग इंटीमेट नॉलेज ऑफ दम एंड बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन यानी किसी भी पर्सन के जो पास्ट के एक्सपीरियंस होते हैं उसकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती है जब वो उसे रिकॉर्ड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ द राइटिंग तो वो हम कहलाती है मेमोर ठीक है सिंपल वर्ड में इसका मतलब होता है मेमोरी यानी जब अगर आप सिंपल वर्ड में याद रखो जब अपने हिस्टोरिकल इवेंट इवेंट या कुछ ऐसे जो जो इसने खुद किए होते हैं हैं अपनी राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस कर देता है memo, ठीक है तो है 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 ठीक 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 तो ये सारा का वर्क इसके चैप्टर्स और इसे 1989 में पब्लिश करवाया गया था अब आपको बताया एक मिनट यहाँ तो यहाँ मैंने इसके सारे नाइन के नाइन पार्ट्स के नाम लिखे हैं हम इन पार्ट्स को अच्छे से रीड कर सकते हैं लेकिन अगर हम जो देखेंगे आज वो इसके दो पार्ट्स को इन डिटेल हम देखेंगे एक पहला पार्ट है ठीक है एक्सलेंट थिंग्स इन वुमेन और एक इसका आई थिंक सो ये सिक्स पार्ट है पापा एंड पाकिस्तान ठीक है इन दो चैप्टर्स को कह सकते हो या आपको पार्ट जिस तरह भी कह लो चैप्टर है बेसिकली ये तो इन दो चैप्टर को हम इन डिटेल देखेंगे विद देयर बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम देखते हैं सबसे पहले हमारे पास है एक्सलेंट थिंग्स इन वुमेन बेसिकली ये जो अगर आप टाइटल देखो ना तो एक्सलेंट थिंग्स इन वुमेन वुमेन की बात हो रही है तो यहाँ फेमिनिस्टिक टाइटल हमें देखने को मिलता है जैसे कि इसकी जो फर्स्ट लाइन से हमें फेमिनिज्म के ए, कुछ पर्सपेक्टिव वो हमें बताना शुरू कर देती है वो बताती है कि मेरा पाकिस्तान को मैं छोड़ रही हूँ और मेरे छोड़ने का पाकिस्तान को इस तरह है यानी पाकिस्तान को लीव करती दिखाई दे रही है और वो इस तरह बयान करती है कि पाकिस्तान को छोड़ना मेरे लिए इस तरह है कि पूरी कम्यूनिटी ऑफ़ वुमेन को मैं छोड़ रही हूँ इस तरह वो बयान करती है और इस पार्ट के अंदर या इस चैप्टर के अंदर हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखने को सबसे पहले कॉन्सेप्ट है फेमिनिजम का आई होप सो कि अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरे इस पर यूट्यूब चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक शेयर लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और ये कि मैं अपने चैनल पे ज़्यादातर हम समरी नहीं डिस्कस करते हम ज़्यादातर पर्सपेक्टिव ही डिस्कस कर रहे होते हैं क्योंकि समरी हमने हर चैनल पे समरी आलमोस्ट दी होती है और आई होप सो कि आपने इसकी भी समरी अच्छे से सुनी होगी अगर आपने सुनी नहीं है तो मेक श्योर sure कि आप इसकी समरी सुन लें वैसे इसके अंदर जो अगर आपने पर्सपेक्टिव है तो मैंने समरी के अकॉर्डिंग ही सारे पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया है ओके okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर फेमिनिज्म का इस चैप्टर के अंदर हमें फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जैसे कि वो स्टार्ट में बताती है कि वो पाकिस्तान को छोड़ रही है ठीक है और इसके अलावा वो कहती है ये तीन फ्रेंड का नाम लेती है अनिता डेल और फौजी वो कहती है ये जो तीन मेरी दोस्त हैं ना ये तीन मेरे फ्रेंड्स जो हैं यही समझ सकते हैं कि मैं पाकिस्तान को क्यों छोड़ रही हूँ ठीक है फिर दूसरे नंबर पर इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है पास्ट का कॉन्सेप्ट और इसी के अलावा जब इस एक इसी चैप्टर के अंदर अगर फेमिनिज्म को इन डिटेल हम देखें तो हमारे पास दादी का करैक्टर इंट्रोड्यूस करवाती है सारा सुलारी और दादी का करैक्टर वो इस तरह बताती है कि जो दादी की उम्र बहुत कम आलमोस्ट सिक्सटीन इयर्स ओल्ड थी दादी जब उनकी शादी हो गई और बहुत कम ही उम्र में वो विडो भी हो गई थी तो इस तरह वो बताती है फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट करती है ठीक है नेक्स्ट जो पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है पास्ट का यानी पास्ट के बारे में बताती है जिसके अंदर हमें दादी का करैक्टर बहुत हाईलाइटेड है यानी दादी के पास्ट के बारे में बताती है किस तरह दादी के सन की डेथ हो सन uh, ए की डेथ हो गई uh, सॉरी दादी की डॉटर की डेथ होती है ठीक है और इसका जो सन है वो गया हुआ है उसे बाहर वो भेज देती है तो उस दादी के करैक्टर की सारी वो चीज़ों को हाईलाइट करती है इवन कि वो दादी के uh, दादी की वर्ड्स के थ्रू वो हमें ये बताती है कि दादी के साथ क्या क्या हुआ था किस तरह दादी की शादी दादी को क्या क्या चीज़ पसंद है इस तरह वो बताती है यानी स्ट्रेलजिक पॉइंट ऑफ व्यू के इन चीज़ों को हाईलाइट करती है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर वो रिलीजन का बताती है जिसके अंदर ईद अजहा का एक इवेंट वो बताती है यानी ईद अजहा का जो मुसलमानों का रिलीजस ईद होती है तो उसके बारे में बताती है कि ईद अजहा पे क्या हुआ था दादी ने कुछ अर्सा पहले एक गोड ली थी फिर ईद अजहा पे उन्होंने गोड को किल किया यानी उसकी सेक्रीफाइस किया बेसिकली तो दाद, हमने दादी ने जो उसका मीट था उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया तो इन सारी चीज़ों के बारे में हाईलाइट करती हूँ एट द सेम टाइम वो अपनी जो वेल्स मदर है उसकी पर्सपेक्टिव बताती है और अपने पर्सपेक्टिव पे बताती है कि मैं और मेरी जो मदर वो इस बात को पसंद नहीं करते कि क्योंकि वो एक वेल्स थी वेल्स वुमन थी और वो इस बात को पसंद नहीं करती थी सारा सुलारी की मदर भी कि किस तरह हो सकता है कि आप एक जो जानवर है उसको सेक्रीफाइस करो और आप खुश हो या इस तरह या आपका जो गोड़ है वो इस तरह खुश हो तो इस, इस इन चीज़ों के बारे में उसकी जो मदर थी वेल्श मदर उसके पॉइंट ऑफ व्यू थे ठीक है और यहीं से हम कुछ देखते हैं कि जो आपके इसका जो टाइटल है ना जो बहुत सिग्निफिकेंट टाइटल है मीटलेस डेज तो मीटलेस डेज बेसिकली दो से तीन चीज़ों को हाईलाइट करता है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ओके okay, तो जस्ट अ मिनट तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिलता है वो पॉइंट है पार्टीशन का इस पार्ट के अंदर हमें बेसिकली ये दोनों पार्ट है पापा एंड पाकिस्तान और, और एक्सलेंट थिंग्स इन वुमेन इन दोनों चैप्टर्स के अंदर हमें पार्टीशन को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है पार्टीशन नाइनटीन इस पार्ट के अंदर वो नाइनटीन की पार्टीशन बताती है कि नाइनटीन की पार्टीशन के अंदर जो इफत का हस्बैंड है वो गया था और उसी यानी जो जंग में गया था ना वॉर में और जब वो गया था तो उसके हस्बैंड को दो साल के लिए जेल में भेज दिया गया था ठीक है और इसके अलावा फिर वो बताती है कि फादर ने भी नाइन के अंदर भी फादर ने न्यूज़ को छोड़ दिया था और कुछ इंसिडेंट्स को हाई लाइट कर दिया है और यही पर हमेंटी पार्ट जो पार्टीशन हो रही थी उसी वक्त इसकी दादी की डेथ हो गई तो इन, इस तरह इन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ी थी फिर है फैमिली का कर, फैमिली का पॉइंट फैमिली के पॉइंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करती है इफ़त के भर, आ, आ, जो बताती है इफ़त का चाइल्ड बन यानी उसके बच्चे उसकी इफ़त की जब चाइल्ड की पैदाइश होती है तो ये बताती है वो इन डिटेल बताती है कि हम खाला बन चुके इस तरह ठीक है दादी स्पोक टू हर सुबह कहते हैं कि ए, यानी फैमिली की जिस तरह की बातें होती हैं डोमेस्टिक डोमेस्टिसिटी को यहाँ हाईलाइट करिए कि दादी अपने आप से बातें करना दादी ने शुरू कर दी थी और वो इसलिए वो कहती है कि दादी रात को चाय पीने के लिए उठी यानी चाय बनाने के लिए और रात को काफ़ी तकरीबन तीन बजे थे रात के और जो दादी जल गई थी तो इस तरह वो उसके बाद दादी खामोश हो गई ज़्यादा बातें नहीं करती थी अपने आप से बातें करती थी इस तरह ठीक है और फिर वो बताती है कि किस तरह मेरी और मेरी जो सिस्टर तिल्ल की हमारी आ, फाइट हुई थी ठीक है और दा, दादी के बर्न का और इसके रिकवर होने का इंसिडेंट बताते हैं जैसे मैं मैंने आपको बताया और इसके अलावा वो मदर और उसकी मदर की डेथ के बारे में बताती है और यह भी बताती है किस तरह डोमेस्टिसिटी के झगड़े वगैरह ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को हाईलाइट करती हैं फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है और इसके अलावा यहाँ मैंने एक पॉइंट लिखा था हलीमा का वो ये बताती है कि जो हलीमा है ना हलीमा के एक बेट एक एक चाइल्ड की बर्थ होती है और एट द सेम टाइम इसका जो एल्डर चाइल्ड होता है ना उसकी डेथ हो जाती है तो वो यहाँ हाईलाइट करती है कि इधर हलीमा शुरू टूड फील हैप्पी और सैड तो क्या करना चाहिए उसे तो इस तरह वो फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को यहाँ भी हाईलाइट करती है डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से यहाँ देखने को मिलता है हमें सबसे पहले सारा की मदर डायस्पोरा मैंने आपको बताया ना कि जब एक पर्सन किसी दूसरी जगह चला जाता है ठीक है माइग्रेट कर जाता है तो जो सारा की मदर है जो वेल्च वमेन थी वो बेसिकली जाती है लाहौर में अपनी मदर को आ, की टेक केयर करने के लिए ठीक है और जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ बहुत आइडेंटिटी क्राइसिस उसे फेस करना पड़ता है आइसोलेटेड फील करती है तो यहाँ हमें डायस्पोरा की थीम देखने को मिलते हैं और इसी तरह देखा गया है कि जो सारा है वो अमेरिका चली गई थी और जो तिलत है वो कवियत चली गई थी तो इस तरह हमें डायस्पोरा के कुछ कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं ठीक है नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है वो हाश एक्सपीरियंसेस हैं जो सारा सुलेरी बेसिकली फेस करती है इसकी मामा की डेथ हो जाती है और जब इसकी मदर की डेथ होती है बेसिकली वो ये बताती है कि मेरी मदर की डेथ हो गई और इन्हें क्या क्या सफरिंग्स को फेस करना पड़ा ठीक है पॉलिटिक्स को हाईलाइट करती है जिसके अंदर लिबरल्स और कंजरवेटिव दो ग्रुप्स की बात करती है ठीक है और यानी जयाउ जिया जिसे जूलू कहा गया है ठीक है जिया का जो दौर था इस यहाँ दिखाया गया उसे जूलो कह के पुकारा गया है तो उसके बारे में बात करती है और इनके अंदर दो तरह के ग्रुप्स की डिवीज़न बताती है एक एंटी पार्टीशन था और एक पार्टीशन को चाहता था ठीक है और दूसरे उन्होंने डायस्पोरा के कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि दादी के छः मंथ हो गए थे जब वो यानी छः मंथ के बाद जब वो अमेरिका गई तो उसके छः मंथ बाद दादी की डेथ हो गई थी फिर पैसे मिस्टिक एक्सपीरियंस हाईलाइट करती है कि इफ़त जब वो गई थी डायस्पोरा यानी डायस्पोरा का जैसा कि कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो अमेरिका थी और फिर उसकी दादी की भी डेथ हो जाती है और तो दादी का अपने का फ्यूनरल अटेंड नहीं करती इवन कि इसके फादर भी वो भी बाहर होते हैं आई थिंक सो इंग्लैंड दिखाया हुआ है तो वो ये ये बताया हुआ कि वो सिटी के, ये कंट्री के अंदर नहीं होते तो वो भी अप उसकी दादी की डेथ हो जाती है ठीक है और फिर इसके अंदर वो अपने प्रेजेंट है प्रेजेंट वर्सेस पास्ट को हाईलाइट किया गया है यानी पास्ट के अंदर ये जो मैंने सारे ऊपर वाले जितने भी इंसिडेंट बताए विद पर्सपेक्टिव वो ये थे कि वो पास्ट के अंदर बता रही थी लेकिन अब वो बताती है कि मैं अब प्रेजेंट में हेवन के न्यू हेवन के अंदर रह रही हूँ और मैं खुश हूँ इस तरह चीज़ों के बारे में बताती हूँ और थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर को हाईलाइट करती है थर्ड वर्ल्ड लिटरेचर बेसिक ऐसे लिटरेचर को कहा गया है जहाँ की जो वुमेन है वो चीज वो सप्रेस को फेस करती है अपनी साइलेंट वुमेन वॉइस ऑफ द वुमेन इज़ साइलेंट इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है ठीक है तो आई होप सो के आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि एक्सलेंट थिंग्स इन वुमेन के अंदर कौन कौन से पर्सपेक्टिव थे और यही ऑलमोस्ट ये सेम ही पर्सपेक्टिव है जो हमें पापा एंड पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं तो हम उन्हें भी जल्दी से पढ़ लेते हैं पापा एंड पाकिस्तान इसके चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं तो पापा एंड पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि जैसे कि एक्सलेंट थिंग्स एफ वूमेन के अंदर हमें फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता था ना तो ये यहाँ जब पापा का नाम हो गया तो पेटरारकी आ गई ठीक है इस तरह इसके अंदर वो कुछ पेट्रारकन पॉइंट ऑफ व्यू और फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी हाईलाइट करती है ठीक है और इसके अलावा जैसे ही यह स्टार्ट होता है तो मैं उस ये जो सारे पॉइंट्स यहाँ पापा और पाकिस्तान के मैंने लिखे हैं ये सारे पॉइंट बेसिकली उसकी है सबसे पहले जैसे ही ये जो होता है, हमें पोस्ट को मिलता है ना वो, वो, वो कुछ वर्ड ऑफ इंग्लिश मिस प्रोनाउंस करते हैं ठीक है थीके? तो इस तरह जब पापा अपने इंग्लिश अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने अपनाया तो क्या, -क्या? उनके जो वर्ड थे वो कुछ मिस प्रोनाउंस करते थे ठीक है फिर दूसरे नंबर पर हम बताती है फेमिनिस्टिक परसपेक्टिव यानी दादी की मैरिज विद करीम बख्शा ने इनके जो दादा के साथ इनके दादी की मैरिज बताती है किस तरह मैंने आपको जो प्री ये बताया एक्सलेंट थिंग्स इन मूव तो वही चीज़ें इसके अंदर बताती है कि किस तरह इनकी शादी हुई थी और ये भी बताती है कि जो मेरे दादा अबू थे उनकी ये सेकंड मैरिज थी विद हर ग्रैंड मदर ठीक है रिलीजन का परस्पेक्टिव हमें देखने को मिलता है सिराज थी इनके बारे में बताती है कैरेक्टर को हाईलाइट करती है यहाँ पर वो कहता है कि वो अभी हज से आया और इसने ये मोस्क डोविल के नाम से यहाँ मोस्क बनाई है सियालकोट के अंदर तो यहाँ रिलीजियस परस्पेक्टिव हमें देखने को मिलता है फिर वो अपने आ जाती है यानी अपना जो टाइटल है उसके अकोर्डिंग बताती है कि जो मेरा पापा है पापा को वो पिप कह के पुकारती है वो कहता है कि पापा दिल्ली से लाहौर आए थे और इन्होंने लाहौर में आने के बाद क्या किया कि इन्होंने जब डिग्री यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो वहाँ इन्होंने डिग्री ऑफ़ जर्नलिज्म हासिल की ठीक है और फिर इसी तरह के पापा के करैक्टर के अंदर वो पोस्ट क्लोने फिर परस्पेक्टिव बताती है कि पापा ने अपनी, अपनी उर्दू और हिंदी यानी जो इनकी नेटिव लैंग्वेज की इन्हें छोड़ दिया और पापा ये ख़ुद बताते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा डिसहार्ट फील किया था जब मैंने अपनी नेटिव लैंग्वेज को छोड़ के इंग्लिश लैंग्वेज को अडोप्ट किया था हम ये देखते हैं कि जब ये वाले आ गए तो हमारे पास पोस्ट कलोनियल बहुत अच्छे से यहाँ हाईलाइट हुआ है क्योंकि पोस्ट क्या होता होता है है कि आफ्टर द कोलोनाइजेशन जो ना लोगों पर बेसिकली उनके माइंड पे तो वो रह जाता है जिसे हम पोस्ट हमोन के अंदर लेते हैं वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इंग्लिश पीपल तो यहाँ पर चले गए हैं लेकिन फिर भी उनकी जो लैंग्वेज है हम कह सकते हैं वो अपने निशान छोड़ गए जिसकी वजह से अब लोग इसे अडॉप्ट कर रहे हैं या इस तरह ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है ठीक है you <laughs> नेक्स्ट जो परपेक्टिव लाए है, हैं वो पॉलिटिकल परस्पेक्टिव देखने को मिलता है तो जब पापा बेसिकली इनके ना वो पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट रखते थे मैंने आपको बताया वो जर्नलिस्ट भी थे बुक्स वगैरह भी पॉलिटिक्स पे इन्होंने लिखे और इसके अलावा वो कायदे आजम मोहम्मद अली जन्ह के एडमायर भी थे ठीक है एडमायर ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जन्ह भी थे ट्वेंटी थर्ड ऑफ मार्च की रेजोल्यूशन को इन्होंने अटेंड भी किया था और वो बताती है सारा सुनारी कि ये इतनी लंबी थी और दो घंटे की स्पीच मेरे बाबा ने ख़ुद सुनी कायदे कायद अजम की और फिर नाव एन एवर जो किताब बच्चा वहाँ हुआ था उसके बारे में वो डिस्कस करती है

बेदाइश होती है नाइंटी थर्टी नाइन के अंदर जिसका नाम वो शैले सुलेरी के नाम से रखती है यानी वो पीपी शैले से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे ठीक है और फिर वो बताती है नाइन्टी फोर्टी की रेजोल्यूशन बताती है और फिर यहाँ यह बताती है कि इसकी जो बात नाइन्टी थर्टी नाइन के अंदर हुई है और फिर नाइन्टी फोर्टी को ही लाहौर रेजोल्यूशन हो गई तो यहाँ पर्सनल मिक्सिस विद पॉलिटिक्स हमें थीम देखने को मिलता है ठीक है पर्सनल मिक्सिस विद पॉलिटिक्स या पर्सनल वर्स पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि पर्सनलिटी या इंडिविजुअलिटी या सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी एट द सेम टाइम जो हमारा पास राइटर है वो हाईलाइट कर रहा है ठीक है फिर हमें देखने को मिलता है कि राइटर यानी उसके पापा की लिटरेरी करियर को यहाँ हाईलाइट कर दिया है ठीक है वो बताते हैं कि पापा ने डो न्यूज़ में काम किया ओरिएंट प्रेस में काम किया फिर पापा ने बुक लिखी द रीड ऑफ द रीड टू तो पीस एंड पाकिस्तान ठीक है द रोड होगा आई थिंक सो so. अच्छा द रोड टू पीस एंड पाकिस्तान 1943 के अंदर ठीक है ये आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नाम लिख दूंगी ठीक है आई थिंक so, सो इसका रोड टू पीस एंड पाकिस्तान 1943 के अंदर और माय लीडर फिर लिखा जब इन्होंने माय लीडर लिखा तो कायदाजा बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए फिर कायदमी से मिले भी थे मुंबई के अंदर फिर हमें देखने को मिलता है डायसपोरा का कॉन्सेप्ट कि इसके बाद जो पापा थे इंग्लैंड मूव कर गए और इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल की ठीक है यानी इंग्लैंड ही रहते रहते इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ नाइनटीन के लिए स्ट्रगल की बट ये बात बताती है कि मैं चाहती थी कि पापा जो नाइनटीन फोर्टी सेवन की पार्टीशन है वो हमारे पास रहे लेकिन वो यहाँ नहीं थे ठीक है बेसिकली जो सारा सुलेरी तो नाइनटीन फिफ्टी थ्री के अंदर उसकी बर्थ हुई है मैंने आपको बताया ये एक मेमोरीज की मेमोरीज डिफरेंट करेक्टर्स के थ्रू इन चीज़ों को वो हाईलाइट कर दी अपनी मेमोरीज को ठीक है अब फिर हमें फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलता है कि वो डाइवोर्स कहती है कि बाजी को यानी इसकी जो फर्स्ट वाइफ थी जो इसकी कज़न भी थी इसके पापा जिसे वो पिप कहती है उनकी तो उन्हें इस डाइवोर्स दे है और डाइवोर्स भी ई के थ्रू हुई थी ठीक है ये एमसी है अच्छा वो कहती है कि जो नुज़त थी वो नौ साल की थी और ये हुई थी नाइनटीन फोर्टी फाइव के अंदर फिर पापा ने इनके इसकी वेल्श मदर के साथ शादी कर ली नाइनटीन फोर्टी सिक्स के अंदर और यहाँ एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू ये एक तो डाइवोर्स हो गई दूसरे नंबर पर नुजत कितनी चार्ट थी और वो ये भी बताती है इवन जब औरिजनल टेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ तो मेन मेन परस्पेक्टिव कर रहे हैं ना नेक्स्ट आई ट्राई माई बेस्ट कि हम ना इसके कोटेशन को डिस्कस करें ताकि ज़्यादा क्लियर हो जाए तो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर वो ये लिखती है सारा सुलारी कि जब मामा इसकी मदर को डाइवोर्स हुई तो वो अपने ग्रैंड मदर को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स कहती थी और अपनी मदर को अपनी सिस्टर कहती थी ठीक है इस तरह हमें कुछ पर्सपेक्टिव देखने को मिलते हैं कि इस तरह नुजरत एक नौ साल की बच्ची की साइकोलॉजी डिस्टर्ब हुई पार्टीशन का इसके अंदर बताती है कि पापा पास इन लंदन जब पार्टीशन हुई और वो कहती है कि जब पार्टीशन हुआ फिर वो बताती है कि यहाँ हमारे पास कुछ ना डोमेस्टिसिटी के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं कि वो पापा लंदन थे और हम ये चाहते थे हम वो एक कोटेशन कहती है कि आई विश दैट पापा वुड बी इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन थे पापा को होना चाहिए शुड बी इन पाकिस्तान ठीक है तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट के हम इसकी कोटेशन देख लेंगे तो इस तरह वो हाईलाइट करती हैं अच्छा फिर वो बताती है कि किस तरह उनके बहन भाई ये सारा हाईलाइट करती है कि वो कैसे पैदा हुए ये सारे कुछ इस तरह बताती हैं अच्छा फिर हम देखते हैं इसका जो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है वो है पेसिमिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ सारा सुलारी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आता भी है एक डायस्पोरा वाला फेमिनिज्म वाला और पेसिमिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ सारा सुलारी हाउ शी हाईलाइट्स द पेसिमिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ हर लाइफ या हर पेसिमिस्टिक एक्सपीरियंस इन हर नोवल मीटलेस डेज तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा पहले भी मैंने बताया और इसके अंदर भी अच्छा वो कहते हैं कि पैसिमिस्टिक एक्सपीरियंस इस तरह है कि इसके पापा भी जेल में चले जाते हैं ठीक है ठीके? और अयूब खां फिर बाद में उसे रिलीज़ करवाते हैं फिर तिल्लत और इरफान पैदा होते हैं तो इसके जो पापा जी का जेल में चले जाना ठीक है इफ़त की डेथ हो जाना इसकी मदर की डेथ हो जाना दादी की डेथ हो जाना इवन कि इसका दादी के फ्यूनरल को भी अटेंड नहीं करा ये सारे पॉइंट्स हैं जो पेसिमिस्टिक एक्सपीरियंस को हाईलाइट करते हैं और एट द सेम टाइम वो थर्ड वर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया थर्ड वर्ड लिटरेचर को हाईलाइट करती है वो ये बताती है कि जो पाकिस्तान की वुमेन है ना वो बिल्कुल साइलेंट वॉइस है अपनी हक़ के लिए वॉइस उठानी चाहिए लेकिन इप्रेस्ट है ठीक है तो इन चीज़ों को हाईलाइट करती है फिर यहाँ देखने को मिलता है हमें पोस्ट कलोनल पर्सपेक्टिव तीसरे तीसरी मरतबा पोस्ट कलोनी परस्पेक्टिव यहाँ आ गया है ठीक है आपने इनको अच्छे से देखना है ठीक है अटेंड कॉलोनल पार्टी को तो यहाँ में कॉल पोस्ट कलोनी परसपेक्टिव देखना को बनता है तो फिर वो बाद बताता है कि भुट्टो के साथ भी पापा के क्लैश बढ़ गए पहले भुट्टों के साथ ही पापा के क्लैश नहीं थे ठीक है आपस में अच्छे फ्रेंड्स थे लेकिन फिर बाद में बताती है कि भुट्टो के साथ जो क्लैश थे वो बढ़ गए फिर फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू बताती है कि इफ़त ने खुद शादी कर ली खुद से ही ठीक है एक्सपेल हो के तो फादर फादर ने इसे एक्सपेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया था बेसिकली और उसे घर से भी निकाल दिया था तो लेकिन फिर बा मामा, मामा ने कुछ देर के बाद सिम्पति दिखाई उसे घर में आने की इजाज़त दी फिर पार्टीशन बताती है नाइनटीन सेवेंटी वन की पार्टीशन का ब्लड शेड बताती है दादी वो बताती है कि जब पार्टीशन में दादी की भी डेथ हो गई बुट्टो को भी हैंग कर दिया गया तो इस तरह इन चीज़ों को फेस करना पड़ा वो क्या बताती है कि जब दादी की डेथ हुई तो उसके पास ना तो उसके फादर थे ठीक है यानी फ्यूनरल के लिए ना तो सारे सोलारी खुद ही ना ही उसके फादर थे तो डायस्पोरा का हमें देखने को मिलता है शिवा शिवासीना अमेरिका में दादी डाइड अच्छा राइटिंग के बारे में बताते है फादर ने इसे फोर्स किया कि वो वापस आए अमेरिका से और बॉयज विल बी बॉय बेसिकली ये भी एक मेमोरी है जो सारा सुलानी ने लिखा था द डोटर्स एलिजी बॉयज विल बी बॉय बॉयज़ विल बी बॉयज़ द डोटस एलिजी ये इसका पूरा नाम है जो इसके फादर का लिखना चाहते थे इसे कंप्लीट करना चाहते थे तो इसे फादर ने इसे कहा था कि तुम इसे कंप्लीट करो ठीक है तो ये वाले कुछ बेसिक पर्सपेक्टिव थे जो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं तो अब हम ओवरऑल पर्सपेक्टिव कुछ देख लेते हैं जो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं ये कुछ बेसिक ओवरऑल पर्सपेक्टिव हैं जो हमें ओवरऑल देखने को मिलते हैं मीटलेस डेज के अंदर सबसे पहले मेमोर हमने देखा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को हाईलाइट करती है बेसिकली सारा सिलड़ी खुद कहती है इट इज़ अ मेमोर और नोट ऑफ फिक्शन ठीक है वो खुद कहती है कि ये एक मेमोर कोई फिक्शन नहीं है मेमोर यानी वो अपनी मेमोरी को हाईलाइट करिए और एट द सेम टाइम ये ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं वो इस तरह के इवन के जो करैक्टर्स के नेम है ना वो भी सारा सुलहरी के खुद के ही यानी अपनी ही लाइफ के यानी उसके फादर का नाम मदर का नाम अपना सुलैरी का नाम नुजत वगैरह का नाम इन्हें उसने अपने रियल करैक्टर ही के नेम ही रखे हैं ठीक है थीके? फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव हमने दोनों की तरफ देखा है कि फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव एक तो हमने देखा है फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अंदर आएगा दादी का करैक्टर सारा सुलारी का खुद का करैक्टर स्टार्टिंग का जो मैंने आपको बताया ठीक है इसकी मदर का करैक्टर आएगा हलीमा का करैक्टर आएगा ठीक है पोस्ट कलोनियल पर्सपेक्टिव के अंदर इसके फादर किस तरह हम इस परनाउंस करते थे और दूसरे नंबर पर इसके फादर ने अपनी लैंग्वेज को किस तरह छोड़ा और पोस्ट क्लोनियलियलियलियलियल पर्सपेक्टिव के अंदर हम ये देखते हैं किस तरीके से लोगों की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है इस पॉइंट के अंदर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर हमें देखने को मिलता है पार्टीशन ठीक है जो पार्टीशन नाइनटीन की पार्टी Of 1971. दोनों की इसके कि के इस तरह है ना कि फादर का करेक्टर आएगा इसके तिलत का करेक्टर आएगा किस तरह वो तिलत कवि चली गई थी और ये सारा सुुद और ईवन के वो बताते कि हमने इतना एलियनेट फील किया है उस वक्त जब हम अमेरिका थे यानी मैंने जब मेरी फादर मदर के पास भी नहीं थी मैं इवन के तो एट द सेम टाइम इसकी मदर का करेक्टर भी आएगा कि जो मदर है वो अपनी ए, अपनी ही मदर यानी इसकी मदर इसकी ग्रैंड मदर की देखभाल करने के लिए जब वो लाहौर गई थी तो इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया है रिलीजियस परस्पेक्टिव हमने देखा है कि इसके अंदर ईद अज का जिक्र किया गया है इसके अलावा इसके अंदर मस्जिद का जिक्र किया गया है मुसलमानों के रिचुल्स को हाईलाइट किया गया है सेक्रीफाइस का जिक्र किया गया है पर्सनल मिक्स विद पॉलिटिक्स में आपको साथ साथ बता दी गई हूँ नाइनटीन सेवनटी वन के अंदर क्या हुआ नाइनटीन फोर्टी नाइन के अंदर ठीक है ये सारी चीज़ें रिलीजियस परसपैक्टिव वो हमने डिस्कस कर लिए तो आई होप सो कि ये सारे पॉइंट्स सा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे होंगे आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जो मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है ना जैसे हम कहते हैं तो मेन मेन बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ ठीक है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही हमने इसके मेन कॉन्सेप्ट को इन डिटेल डिस्कस किया है नेक्स्ट वीडियो में इन शा आई ट्राई माई बेस्ट कि हम इसकी कोटेशन को डिस्कस कर लें अपना ख्याल रखिएगा दुआ में याद रखिएगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा अल्लाह हाफिज़